दोस्तों मैं निशित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज। आज हम फिर एक दफा आपके सामने जुड़े हैं कि जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं उनका डॉटर या सन, यानी जिसको कहा जाता है कि कोई भी फैमिली मेंबर उनका वहां पर नहीं है, फिर भी क्या उसको दोस्त, रिश्तेदार और फ्रेंड स्पॉन्सर करे तो वीजा लगता है क्या? तो ऐसा लाइव एग्जाम्पल, लाइव हमारे ऐसे क्लाइंट को हम आपके सामने लेके आए हैं जिनका सन और डॉटर या कोई भी ब्लड रिलेटिव वहां पर नहीं है, फिर भी क्या इमिग्रेशन ने उनको एक स्पॉन्सर पे वीजा दिलवाया। ऐसा नहीं है सबको मिलता है, लेकिन हाँ उनके केस में ऐसा हुआ है और वो रिसेंटली हुआ। ये जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं ये जनवरी 2024 है और उनको पासपोर्ट में वैलिडिटी है, तब तक का वीजा मिला। उन्होंने पहले छोटी मोटी कंट्री ट्रैवल की थी, कोई ऐसी बड़ी फेमस कंट्री का वीजा नहीं था उनके पास, इसलिए कनाडा ने वीजा इश्यू करने में उनके 2.5 से 4 महीने लगाए, लेकिन फाइल रिजेक्ट नहीं की। बीच बीच में हमने वेब फॉर्म भी रेस किए और अल्टीमेटली उनका पॉजिटिव आंसर आया है। ऐसे हमारे क्लाइंट जो अहमदाबाद से बहुत दूर भरूच से यहां तक आए थे फाइल रखने के लिए, उनसे बात करते हैं। सुरेश भाई पटेल, आगे का सुरेश भाई हिंदी में बात कर सकते हैं ना? यस यस। ओके सुरेश भाई, मैंने जैसे बताया सही है, ऐसा ही हुआ अपने साथ? नहीं, एग्जैक्टली जो आपने एक्सप्लेन किया वैसे ही मेरा केस में हुआ है। देखिए तो सुरेश भाई, आप कामकाज में क्या करते हैं, भरूच में कैसे करते हैं, क्या करते हैं, भरूच से यहाँ तक केयर इमिग्रेशन तक कैसे आप आए, ये बताइए। भरूच में मैं प्रोडक्शन मैनेजर का जॉब कर रहा हूँ। बढ़िया। केमिकल कंपनी में। ओके। और मेरा एक फ्रेंड है तुषार प्रकाश करके, उन्होंने रिकमेंड किया था कि आपको वीजा इश्यू के लिए जो भी अच्छा इमिग्रेशन सर्विस चाहिए तो केयर में ही जाना पड़ेगा। अच्छा। अहमदाबाद में सबसे अच्छा है, उनका ही रेटिंग है। तो डायरेक्टली मैंने इधर प्रपोज किया और मेरे को जो सपोर्ट मिला इधर से, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर लास्ट वीजा प्रोसेस तक, वो सही में एक उसको रेटिंग अगर देना चाहो तो 10/10 दे सकता हूँ, ऐसा अच्छा सर्विस मिला। अच्छा, तो सुरेश भाई आप भरूच से यहाँ तक आए, तो भरूच में भी कोई कंसल्टेंट के यहाँ गए थे क्या कभी? हाँ, एक ईसी करके। हाँ ठीक है, हम नाम तो नहीं डिस्क्लोज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप गए थे एक बार। तो उन्होंने क्या बोला आपकी फाइल के लिए? उन्होंने बोला कि हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, और उनका प्रोसेस उन्होंने जो एक्सप्लेन किया और इधर केयर प्रोसेस केयर इमिग्रेशन में जो एक्सप्लेन किया उसमें बहुत डिफरेंट था। एकदम इजी स्टेप पे में मेरे को समझ में आ गया। अच्छा। और मेरा डॉक्यूमेंटेशन का जो रिक्वायरमेंट था वो भी अच्छे से समझा है। वहां पर जैसे मैंने बताया आपका सन डॉटर कोई नहीं है कनाडा में? नहीं है। आपका फ्रेंड है? मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को इनविटेशन लेटर भेजा था। फ्रेंड के इनविटेशन लेटर पे उनका वीजा लगा। अच्छा, ये टाइम भी आपका इतना लगा सुरेश भाई, 2.5-4 महीने लगे? उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगा था, लेकिन उसमें भी इमिग्रेशन में स्टाफ ने, जो केयर ने, बहुत अच्छा सपोर्ट किया। वेब फॉर्म कैसे रेस करने का, उसका डिटेलिंग कैसे करने का, वो फाइनली मेरे को वीजा अप्रूव हुआ, उसका एक खुशी है। खुशी है, सही बात है। और आपका वाइफ के साथ, उनकी वाइफ के साथ भी उनका लगा और अच्छी बिजी। दूसरी बढ़िया बात ये भी है सुरेश भाई की, के साथ में उनके लड़के का काम केयर इमिग्रेशन ने US स्टूडेंट में करके दिया। यस, मतलब एक ही फैमिली में दो लोगों को एक ही महीने के आसपास वीजा लगा। राइट, ये सही बात है ना सर? अच्छा, वैसे आपने बता ही दिया, फिर भी मैं लास्ट में पूछूंगा कि ये एंटायर प्रोसेस है केयर इमिग्रेशन की, भरूच से यहाँ तक आना, ये वर्थ है? हाँ, एकदम वर्थ है, क्योंकि उधर जो गाइडलाइन और जो आपको नॉलेज मिला उससे बहुत अच्छा प्रोसेस का नॉलेज यहाँ पर होता था। हाँ, और एक मेन बेनिफिट है कि कभी भी फोन करो पॉजिटिव ही रिप्लाई मिलता है। बहुत बढ़िया, सबसे बड़ा थैंक यू फ्रॉम बिहाफ ऑफ माय टीम। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमको, 10 में से सुरेश भाई कितने स्टार? मेरे 10 से 10 तो देना ही चाहिए, लेकिन मैं एडिशनली एक मार्क देना चाहता हूँ, 11 तक दे सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच सुरेश भाई। चलिए सुरेश भाई और उनकी वाइफ दोनों का, हमने जैसे बोला इनविटेशन लेटर पे वीजा केयर इमिग्रेशन ने करके दिया, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। पासपोर्ट में उनकी वैलिडिटी 2032 तक की है और वीजा भी उनको 10 साल का 2032 तक का मिला है। सुरेश भाई थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Congratulations. अभी आपकी वाइफ के लिए भी देख ले, वो यहाँ पर नहीं आ सकी है आज। उनका भी हम देख लेते हैं, उनके पासपोर्ट में वैलिडिटी 2027 तक है और उनका भी वीजा 2027 तक का है। Yes. ये उनकी वाइफ का वीजा है, ये भी हम आपको देते हैं सर, प्लीज एक्सेप्ट दिस बिहाफ ऑफ योर वाइफ। थैंक यू।
ऐसे ही और स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और क्लाइंट की स्टोरी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत कीजिए, लाइक और फॉरवर्ड करना भूलिएगा मत दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।